बता दें आपको, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां राशि और कुंडली को विशेष रूप से माना जाता है। मनुष्य इसी के आधार पर अपने जीवन जीने की कोशिश भी करता है। इस संसार में हर कोई अपने जीवन में, जिंदगी में काफी ज्यादा तरक्की करना चाहता है। कितनी भी मेहनत करने के बाद मनचाही सफलता उसको नहीं मिल पाती है। कई बार ऐसा होता है कि इसी के चलते वो अपना नाम कमाने के चक्कर में, अपनी दौलत और इज्जत और शोहरत के चक्कर में काफी ज्यादा मेहनत तो करता है, लेकिन उसको सफलता चाहते हुए भी नहीं मिल पाती है। लेकिन उसको खुद इस बात का एहसास या समझ नहीं होती है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। आपको बता दें, ये सब हमारी कुंडली के ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। जी हाँ, जब जब कुंडली के ग्रह और चाल इधर उधर करते हैं तो लाभ और नुकसान इसको जरूर होता है। आपको बता दें, अब बहुत ज्यादा शुभ संयोग बन रहा है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि हर रोज सूर्य देव को सुबह सुबह अगर जल अर्पित किया जाए तो आपको मनचाहा फल जरूर मिलेगा, लेकिन अगर रविवार के दिन सच्चे मन से सूर्य का दीदार किया जाए तो लाभ जरूर मिलता है। अब आने वाले कल यानी कि रविवार के दिन आप सूर्य भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा, क्योंकि अब की बात बहुत ज्यादा शुभ संयोग बना है, जिसमें कल सुबह सुबह बहुत ज्यादा फायदा सूर्य भगवान इन दो राशियों के जातकों पर लुटाने वाले हैं और लाभ इनको जरूर होगा, कल्याण भी हो जाएगा। तो आइए नजर डालते हैं और जानते हैं आखिर कौन सी है वो दो राशियां। तुला राशि, कल सुबह सुबह भगवान सूर्य का उद्धार इनका बहुत जल्द हो जाएगा। वहीं आपको नौकरी में ज्यादा सफलता मिलेगी। सूर्यदेव आपके सारे कलेश भी दूर कर देंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी महंगी चीज आपके घर आ सकती है, कोई भी वाहन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। ऐसा ही शुभ लाभ बन रहा है जो आपको बहुत ज्यादा सफलता भी दिलाएगा। मकर राशि, आपको बता दें सूर्यदेव की कृपा इनकी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं कल सुबह सुबह मकर राशि के आयाम पूरी तरह से बदल जाएंगे। सुखद अनुभूति का एहसास भी ये लोग जरूर करेंगे। आपको अपना सच्चा प्यार भी मिल सकता है। सब कुछ आसान आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।